हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया। आज हम आपको बताएंगे सेम यानी कि बीन्स के सीड लगाने से पहले और बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो सीड किसी भी भरोसे वाली शॉप से ही लें ताकि वो आपको हेल्दी और नए सीड दे, पुराने ना पकड़ा दे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कोई भी सीड कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 15-20 दिन के अंतर में थोड़े थोड़े सीड्स लगाने चाहिए ताकि हमें लंबे समय तक वेजिटेबल्स प्राप्त हो सकें। सेम को जो है जुलाई और अगस्त में बो देना ठीक रहता है। हम इस बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में उसको लगा रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी सारे ड्रेनेज होल बना के रखे हैं। इसकी मिट्टी में सीड लगाने से एक हफ्ते पहले गोबर खाद अच्छे से मिला दिया था। बारिश के पानी में मिट्टी भीग गई है, इसलिए हमें ऊपर से डालने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो है आधा इंच के लगभग होल बना करके सीड लगा देते हैं। ज़्यादा गहरा होल ना बनाएं, क्योंकि अगर सीड अंदर दबे दबे सड़ भी सकते हैं। अगर आपकी सॉइल सूखी हो तो पानी जो है काफ़ी सारा अवश्य डालें। हमने ये डंडे लगा रखे हैं बेल चढ़ाने के लिए। इसका ऊपर ही फैलना ठीक रहेगा। ये देखिए रस्सी भी लगी है। 5 दिन बाद दोस्तों दोनों ही सीड्स जो थे जर्मिनेट हो गए हैं। दूसरी सीडलिंग को हमने एक अलग प्लास्टिक बैग में ट्रांसप्लांट कर दिया है, क्योंकि उस समय मौसम अच्छा था। ये जो क्लिपिंग है ये 12 दिन के बाद की है। इसकी दूसरी सीडलिंग भी हम आपको दिखाते हैं। ये भी छोटे छोटे से जो वीड्स निकल आते हैं इनको ज़रूर हटा दिया करें, बड़ी ना होने पाए। ये दोस्तों दूसरी सीडलिंग हमारी, ये थोड़े से शेडी प्लेस में रखी हुई है। ये भी अच्छे से ग्रो हो रही है। इसमें टमाटो का प्लांट भी जर्मिनेट हो गया है, क्योंकि इसमें हमने घर की बनी कंपोस्ट डाली थी, उसी में शायद ये बीज होगा तो जर्मिनेट हो गया है। इसको हम अलग उसमें कर देंगे। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले भी हमने अलग से बो रखे थे सेम के, ये देखिए वो काफ़ी बड़ा हो गया। ये कम से कम 25 दिन पहले का है। इसको हमें इस डंडे के ऊपर चढ़ाने का मेरा विचार था, लेकिन ये टमाटो, चेरी टमाटो का जो प्लांट है वो इसके ऊपर आया जा रहा है। हम इस प्लास्टिक बैग को यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो ये सेम की जितनी भी लता है सब चेरी टमाटो को ऊपर चढ़ जाएगी और ख़राब कर देगी। फिर दोनों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी और यहाँ बहुत कंजेस्टेड भी हो रहा है हमारा। इसको हमने यहाँ पर रख दिया है अपने दूसरे प्लांट के संग। अब दोनों की यहाँ पर एक साथ केयर हो जाएगी। दोनों को जो भी चीज़ें देनी है एक साथ दे देंगे हम, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो सो जो भी ये वीड्स वगैरह निकलते हैं इनको ज़रूर हटाते रहें, ताकि जो इस सॉइल के न्यूट्रिएंट हैं ये वीड्स ना ले लें, बल्कि हमारा प्लांट ही मिले। इसको सारे पोषक तत्व तो हमारे प्लांट्स को मिले वो ठीक रहेगा। इसको लगाने के 1-1.5 महीने बाद से जो है फ्लावरिंग इसकी शुरू हो जाती है। उस समय इसमें वर्मी कंपोस्ट जरूर डाल दें। इसके बाद 20-25 दिन के अंतर में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो समय समय पर डालते रहेंगे, ठीक रहेगा। सेम की बेल या फिर लता को फैलने के लिए सपोर्ट जरूर दें, उसको ज़मीन में ना फैलने दें। इसके कई फायदे होते हैं। एक तो इससे स्पेस बच जाती है, वहाँ कोई दूसरा प्लांट भी रख सकते हैं, आने जाने में चलने में आराम रहता है, और प्लांट में साथ में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, उससे भी बच जाता है। सपोर्ट देने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। साथ में बेल की वजह से दूसरे प्लांट्स को थोड़ी बहुत शेड भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसमें जो है जब फ्लावरिंग होती है तो उस समय कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए नीम ऑयल से भी स्प्रे करें, साथ में गौमूत्र से भी स्प्रे करें। उन दोनों का ही मैंने वीडियो बना रखा है। इसमें जो है दिसंबर और नवंबर में भी कई बार फ्रूटिंग चालू हो जाती है, और जब भी इसमें फर्टिलाइज़र डालें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही डालें, क्योंकि इन सब्जियों का यूज़ जो है आप ही लोग करोगे तो कोई भी सेहत को नुकसान ना हो वो ज़्यादा ठीक है। ये हमारा लौकी का प्लांट है, जो कि हम पहले आपको एक बार वीडियो बना के दिखा चुके हैं। ये भी काफ़ी ग्रो हो रहा है, इसको मैंने जाल में चढ़ा दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिएगा। इस तरह से हरी भरी सब्जियां लगाइए, सेहत बनाइए, प्रकृति को स्वस्थ रखिए, आप खुद भी रहिए। धन्यवाद।